थैंक यू सुधीर। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और शिंदे सरकार को राहत दी। अदालत ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन अब यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर हमला किया और कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उद्धव के हमले पर महाराष्ट्र के सीएम ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाले उद्धव को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में अफसरों पर कंट्रोल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि अफसरों के तबादले और तैनाती का अधिकार सरकार का रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों का पिता बताया। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में 10 गुना स्पीड से काम होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विपक्षी एकता पर नीतीश की पहल का स्वागत किया। सीएम नीतीश सबसे पहले उद्धव ठाकरे से मिलने सीधे मातोश्री गए। दोनों नेताओं ने मुलाकात की, फिर मीडिया के सामने आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश को गुलाम बनाने वालों को घर भेजेंगे। नीतीश के साथ मुलाकात के बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि देश के हालात को देखते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत की। सचिन एक महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। वो पेपर लीक मुद्दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 दिनों की पदयात्रा निकाल रहे हैं। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल और प्रियंका की नहीं बल्कि सिर्फ सोनिया गांधी की तस्वीर है। अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के प्रति वफादारी जरूरी है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को एक दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी से बात कराने का निर्देश दिया। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बीजेपी का विरोध जारी है। कोलकाता में थिएटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं पुरुलिया में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ द केरल स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के करीब 5 दिन में तीसरी बार धमाके से हड़कंप मच गया। यह ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल के रात करीब 12 बजे हुआ। तलाशी के बाद एक दंपत्ति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 1 किलो विस्फोटक मिला है। तलाशी के दौरान सीसीटीवी फुटेज से 2 संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों धमाका करने के बाद सराय के बरामदे में जाकर सो गए। दोनों से पूछताछ के बाद एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। इनसे एक संदिग्ध बैग बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके का मकसद शांति भंग करना था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। रिहाई के आदेश के बाद इमरान खान ने घर जाने की इजाजत मांगी तो अदालत ने कहा कि आपके घर को भी जलाया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने इमरान खान को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखने के निर्देश दिए। रिहाई के बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। इटली के शहर मिलान में बड़ा धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि कुछ गाड़ियों में आग लगी है। पुलिस के मुताबिक यह धमाका एक वैन में हुआ था। इटली की मीडिया के मुताबिक जिस वैन में धमाका हुआ उसमें कुछ गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए रखे गए थे। इस वैन को पार्किंग में ले जाया जा रहा था, इसी दौरान किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद पुलिस ने पास के स्कूल और एक नर्सिंग होम को खाली कराया। धमाके की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई। फिलहाल एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। मोका चक्रवात के खतरे से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोका आज रात तटीय इलाके से टकरा सकता है और 12 मई की सुबह तक गंभीर चक्रवात बन सकता है। मोका की वजह से कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है।